हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास फोर के लिए साइंस की क्लास है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सम अजेंगिंग प्लांट्स तक स्टडी कर लिया था, ठीक है। अब अगला पॉइंट है इंटरडिपेंडेंट इन नेचर, प्रकृति में एक दूसरे पर निर्भरता, ठीक है यार, प्रकृति में निर्भरता, ठीक है। प्लांट्स एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन ईच अदर इन वेरियस वेज फॉर देयर सर्वाइवल, पौधे जानवर और मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है अपने जीवन यापन के लिए, ठीक है, बहुत से अन्य रास्तों पर। ये कहने का मतलब है पौधे जानवर और मनुष्य एक दूसरे पर बहुत प्रकार से निर्भर हैं अपने जीवन यापन के लिए। प्लांट्स गिव फूड ऑक्सीजन टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, पौधे जानवर और मनुष्य को खाना और ऑक्सीजन देते हैं। इन टर्न दे इसके बदले दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, इसके बदले ह्यूमंस और एनिमल्स क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं प्लांट्स को भोजन बनाने के लिए, ठीक है। हमने फोटोसिंथेसिस समझाया था, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स का भोजन बनता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स का भोजन रेडी होता है, ठीक है। ह्यूमन एंड एनिमल्स आल्सो हेल्प इन पर्सिंग डिप्रेसिंग ऑफ सीड्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। मनुष्य और जानवर पौधों के बीज को फैलाने में सहायता करते हैं, देयर फॉर हेल्पिंग देयर नंबर, और उनके नंबर भी बढ़ते हैं, और उनकी बहुत सारे पेड़ हो जाते हैं, इससे बीज फैलेगा, फिर बोगे तो उससे क्या होगा, बहुत सारे क्या होंगे, बीज फैलेंगे। हैंस इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ, ठीक है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि नंबर ऑफ प्लांट्स और धरती पर कितने जीव हैं यह मेंटेन रहे, ठीक है। जितने जीव होंगे तो उतनी में उसी तरीके से हमें उतने प्लांट्स चाहिए। अब जैसे हम सारे प्लांट्स काट देंगे तो फिर ना ही ऑक्सीजन होगी ना भोजन होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। इसलिए हमें पेड़ों को भी नहीं या पौधों को भी नहीं काटना चाहिए, ठीक है। ये हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं सबसे पहले, इंटरडिपेंडेंस इन नेचर, ठीक है। ठीक क्या है फूड है ये, ठीक है, फूड है। फूड पर क्या है, कौन है निर्भर, ये सारे रैबिट है, फ्रॉग है और रैट है, ठीक है। फूड को प्लांट्स फूड को कौन खाएगा, रैट। अब रैट को कौन खाएगा, लोमड़ी खाएगी, ठीक है। ये क्या है, फ्रॉग को क्या कौन खा लेगा, फ्रॉग को कौन खा लेगा, एक बर्ड खा लेगी, ठीक है। फिर रैबिट को कौन खाएगा, एक लोमड़ी खाएगी, ठीक है। स्नेक को भी फ्रॉग खाएगा, तो मतलब ये कहने का सब लोग एक दूसरे पर निर्भर, ठीक है। हम पहले प्लांट्स को खाते हैं, ठीक, या कह सकते हैं पहले फ्रॉग या रैबिट किसको खाता है, प्लांट्स को खाता है। फिर रैबिट को कौन खाएगा, लोमड़ी खा लेती है, ठीक है। कहने का मतलब यह कि हम एक सब लोग एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। ये समझ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। पहला पॉइंट, प्लांट्स आर द ओनली लिविंग बीइंग दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, सो दे कॉल्ड प्रोड्यूसर, ठीक है। पौधे ऐसे जीवित प्राणी हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं या उत्पादन करने वाले कहते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन लीव विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, पौधे अपना भोजन पत्तियों में सूर्य के प्रकाश, पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा एवं क्लोरोफिल की सहायता से बनाते हैं। लीव हैजा स्टॉक, लीफ ब्लेड वीनस, लीफ हैजा स्टॉक, लीफ ब्लेड एंड बीन्स एंड स्टोमेटा, पत्तियों के पास स्टॉक, लीफ ब्लेड और नसें और स्टोमेटा होती है, ठीक है। ग्लूकोज इज द फॉर्म ऑफ फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स, ठीक है। ग्लूकोज के रूप में ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। एक्स्ट्रा फूड स्टोर्ड इन द स्टोरेज ऑफ फॉर्म स्टार्च, जो बचा हुआ भोजन बचता है एक्स्ट्रा होता है, उसे हम स्टार्च के रूप में, उसे प्लांट्स स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं। प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स इंटर डिपेंड ऑन ईच अदर, पौधे जानवर मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। हैंस इट इज एसेंशियल टू मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर, इस अतः यह है आवश्यक है कि प्रकृति में मेंटेन
बैलेंस मेंटेन रहे। ठीक है अभी, ठीक है आपका ये साइंस का लेक्चर ख़त्म होता है, आपके चैप्टर 1 भी आज ख़त्म होता है। आपको अगले, अब आपको हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे, आज का होमवर्क आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।